जहां पूर्व विधायक अनंत सिंह बेऊर जेल से बाहर आ गए हैं। दो अलग अलग मामलों में हाईकोर्ट से रिहा करने का आदेश जारी किए जाने के बाद मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल से बाहर आ गए। सुबह से ही अनंत समर्थकों की भारी भीड़ जेल के बाहर जमा थी। सुबह करीब 5:10 पर अनंत सिंह बेऊर जेल से बाहर आए। पूर्व विधायक के स्वागत के लिए समर्थकों के अलावा उनके दोनों बेटे भी मौके पर मौजूद थे। बेऊर जेल के बाहर से जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। और ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब अनंत सिंह जेल से रिहा होने के बाद अपने समर्थकों के बीच पहुंचे, देखिए किस तरीके से उनका स्वागत किया गया। और ये दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं जब पटना के बेऊर जेल से अनंत सिंह का काफिला आगे निकला है। बताया जा रहा है कि अनंत सिंह सबसे पहले बढ़िया पहुंचे हैं और जहां अनंत सिंह के समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। और आपको ये भी बता दें कि दो मामलों में अनंत सिंह जेल में बंद थे, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने सबूत के अभाव में बरी किया है और उसके बाद आज सुबह 5:10 पर जेल से अनंत सिंह बाहर आए। उनके दोनों बेटे उनके लिए मौजूद थे। और जेल से बाहर निकलते ही पूर्व विधायक अनंत सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर अनंत सिंह ने क्या कहा है और वो भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि फिलहाल वो ये तय नहीं कर पाए हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर तंज कसते हुए कहा कि उनके पिता की कोई पार्टी नहीं है, इसलिए ये तय नहीं किया है कि वो क्या करेंगे। वो तो आप लोग का जन आ रहा है, कहने की तो जरूरत नहीं है। जा रहे हैं, पूजा करेंगे, मिलते जुलते जाएंगे। अब आगे भविष्य की क्या रणनीति होगी आपकी? वो सब हम कुछ नहीं जोड़े हैं, भगवान के गोर लगे, जनता के गोर लगे, कुछ सब जोड़ बेने करते हैं। 2025 में विधानसभा चुनाव भी होना है, चुनाव लड़ेंगे क्या? तो रहे कोई बाबूजी घोड़ा पार्टी पौवा नहीं है, हमारा क्या होगा? जो मर्जी होगा वो होगा। जदयू में भी जाएंगे, इस तरह की चर्चा चल रही है। वो आप लोग का चर्चा गया होगा, हमने कुछ जानते। आपने अभी कुछ तय नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया। आप रिहा किए गए हैं, आप बेकसूर साबित किए गए हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया? उस पर यह कहना है कि नीपी सिंह के सजा हो गए। अब जब हम रिहा हुए तो दोषी नहीं है, तो वो दोषी है, नीपी सिंह को दोषी मानते हैं। हाँ तो बिल्कुल, अनंत सिंह पूर्व विधायक मोकामा, इन्होंने कहा कि ये बेकसूर साबित किए गए हैं और लिपि सिंह दोषी बनाई गई हैं, तो अब सजा लिपि सिंह को होनी चाहिए। अपनी राजनीतिक रणनीतियों का उन्होंने खुलासा नहीं किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल भगवान की शरण में है और आने वाले दिनों में वो क्या करेंगे फिलहाल ये तय नहीं कर पाए हैं। तो निश्चित तौर पर उनके समर्थकों की उत्कंठा भले ही हो कि 2025 का विधानसभा चुनाव अनंत सिंह लड़े, लेकिन फिलहाल अनंत सिंह तुरुप का पत्ता नहीं खोलना चाहते हैं और देखना होगा आने वाले दिनों में वह कौन सी रणनीति अख्तियार करते हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ संजय कुमार, न्यूज़।